गाइस स्वागत है क्रिस्टल कार के एक और नई वीडियो पे। आज हमारे पास आई है थार, वो भी एक नहीं दो दो थार आई हुई है, एक पीछे खड़ी हुई। तो पहले इस थार में जो काम हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस थार में बेसिकली अंदर से सारा काम हो रहा है जो कि म्यूजिक का हो रहा है। एंड म्यूजिक में क्या क्या करवा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। BRK की आप इसमें डैम्पिंग देख सकते हैं, ये हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो JBL का एम्प इसमें लगाया जा रहा है, ओरिजिनल होने वाला है हमारे पास। सारे प्रोडक्ट्स आपको जेन्युइन मिलेंगे, कॉपियां बहुत चल रही है JBL की मार्केट में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इन्फिनिटी के हम इसमें स्पीकर्स इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि कॉम्पोनेंट रहने वाले हैं। एंड वो हम पूरा इसको यहाँ नीचे लगाएंगे। आप देख सकते हैं भैया ने पूरी यहाँ पे खोल दिया है यहाँ लगाने के लिए, और साथ ही साथ बाकी स्पीकर्स इसके ऊपर कॉकपिट पे लगाएंगे। पीछे से मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये आमरेस दिख रहे होंगे जो हमने दोनों इंस्टॉल किए हैं, ये बैक साइड के आमरेस है। तो एक बार ये सारा म्यूजिक का सिस्टम फिट हो जाता है, सारी चीजें लग जाती हैं, तो एक बार मैं इसका साउंड रिव्यू दिखाऊंगा आपको कि कैसा आ रहा है। तो गाइस अगली थार पे चलते हैं, अगली में क्या क्या काम हुआ। दूसरी थार में आप देख सकते हैं गाइस, पीछे से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो पीछे आप देखेंगे टेल लाइट हमने चेंज कर दिया, जो इसकी थार की स्टॉक टेल लाइट आती है वो ये होती है। एंड ये हमने हटा के इसमें लगा दिया है, जो आप देख सकते हैं ये वाली टेल लाइट जो कि पूरी स्मोक फिनिश में होने वाली है। एंड एक बार फिट हो जाती है तो मैं आपको उसको चला के दिखाऊंगा कैसी लग रही है। और साथ ही साथ रिफ्लेक्टर्स भी नीचे इंस्टॉल कर रहे हैं, जो वाले हैं वो लाइट वाले नहीं आते बट हम इसमें लाइट वाले लगा रहे हैं, और ये पूरे मैट्रिक्स होने वाले हैं। तो एक बार ये भी फिट होता है तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और आप फ्रंट से देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये चेंज किया है, तो ये पूरा स्टॉक आता था ये हटा के पूरा DRL वाला लगा दिया हमने इसमें। एंड हेडलाइट्स भी इसमें चेंज हो रही है, हेडलाइट आप देखेंगे तो स्टॉक ये वाली आती है जो कि कोई खास रोशनी देती नहीं है। एंड इसके बाद हम इसमें लगा रहे हैं किंग कॉन्ग की हेडलाइट जो कि बहुत चलती है थार में। एंड नीचे आपको मैं बम्पर में दिखाऊं तो बम्पर में लग रहा है इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, जिसका आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बीम आने वाली है। ये ऐसा है कि गाइज आप हेडलाइट ना भी ऑन करें तब भी आपको रोड पे अच्छी विजिबिलिटी दिख जाएगी। और इसमें भी गाइज बैक में हम आमरेस इंस्टॉल कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं पूरा आमरेस रहने वाला है दोनों। और भी गाइज गाड़ी में हो रहा है काम बहुत सारा, तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस थार में भी और जो उस थार में भी, दोनों में क्या क्या काम हुआ है। मिलते हैं गाइज वीडियो के एंड में। गाड़ियाँ देख के समझ ही गए होंगे आज आपके पास आई है थार, वो भी एक नहीं दो दो, काम दोनों में चल रहा है गाइस। एंड जो जो काम हो रहा है मैं आपको सारी डिटेल में एक एक चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो पे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो गाइस अपनी दोनों थार ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो मैं बताता हूँ पहले इस थार में क्या क्या हुआ है। तो सामने आप लाइट देख सकते हैं चेंज करी गई है, तो जो स्टॉक लाइट आती है वो कंपनी से वो कुछ ऐसे आती है, एंड इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास लाइट होती नहीं है। एंड उसके बाद हमने चेंज करके इसमें लगा दिया किंग कॉन्ग वाली। एंड वैरायटी अपने पास बहुत सारी होने वाली है इसके अलावा भी, आप हमारी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो एक बार इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ गाइस आपको। तो ये देख सकते हैं आप इसकी पूरी रिंग स्टार्ट हो गई है, एंड इसकी जो लाइट है बहुत ही अच्छी रहने वाली है गाइस। साथ ही साथ हमने यहाँ पे भी चेंज किया है, जो DRLs आते हैं तो वो आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड कुछ ऐसे रहने वाले हैं आपको यहाँ पे, बट जो हमने DRL चेंज करके इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया, और ये इंडिकेटर भी इसमें मैट्रिक्स का रहने वाला है। साथ ही साथ मैं नीचे आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्टर्स भी दिख रहे होंगे, ये भी हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं, प्रोजेक्टर्स नहीं आते थे कंपनी से। एंड इसकी थ्रू काफ़ी अच्छी होने वाली है गाइस, जैसे आप दिन है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइट आ रही है इसकी। तो पीछे से देख सकते हैं गाइस कुछ ऐसी लुक आने वाली है आपकी, और इंडिकेटर्स के साथ गाइस कुछ ऐसा लुक आने वाला है आपको। बाकी गाइस अंदर से मैं बात करूं तो थार की बैजिंग वाला वेलकम प्लेट आपको दिख रहा होगा जिसमें लाइट ग्लो कर रही है, एंड ये रात को आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देने वाला है। साथ ही साथ गाइस मैं आपको दिखाऊं तो इसमें इन्फिनिटी के हमने स्पीकर्स भी इंस्टॉल किए हैं, एंड ये आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं हमने इसमें इंस्टॉल किया है जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, स्टोरेज भी मिलने वाली है आपको इसमें। और पीछे भी आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट रहने वाला है वहाँ पे, एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। तो टेल लाइट भी गाइस हमने इसमें स्मोक फिनिश वाली इंस्टॉल करी है, आप कंपनी फिटेड देख सकते हैं कुछ ऐसी रहने वाली है यहाँ पे, ये कंपनी फिटेड आती है। एंड जैसे हमने इसमें करी है तो मैं एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब ये स्टार्ट कुछ इस तरह होने वाली है, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं लाइट कितनी ही बढ़िया लग रही है। एंड इसमें आप नीचे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स भी हमने इसमें इंस्टॉल किया है, और इंडिकेटर पे ये रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स रहने वाला है। साथ ही साथ लाइट भी आप देख सकते हैं ये भी मैट्रिक्स रहने वाली है, देख सकते हैं कुछ इल्यूजन से इफेक्ट आ रहा है अंदर, तो इस लाइट की यही क्वालिटी है। इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारी वैरायटी की लाइट्स अवेलेबल है गाइस, पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, बहुत अलग अलग डिजाइन की अवेलेबल है, एक्स वाली भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो भी लगवा सकते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं हिंज हमने इसमें इंस्टॉल किया है,
जो कि पैर रख के ऊपर चढ़ने के लिए होता है, अगर कोई आपको कुछ भी स्टोरेज वगैरह रखनी होती है तो ये उसके लिए रहता है, या क्लीनिंग वगैरह करानी होती है तो ये उसके लिए रहता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो थार की बैजिंग वाला क्रोम फिनिश वाला डोर वाइजर हमने इसे इंस्टॉल किया है, तो प्लेन भी मिल जाएगा हमारे पास, क्रोम भी मिल जाएगा, दोनों अवेलेबल रहने वाले हैं। तो गाइस अब ये देख सकते हैं, ये व्हील आर्क लगाया जा रहा है इस गाड़ी में, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे इसमें लगा दिया गया है, फिर अभी इधर भी एक लगेगा और इधर भी एक लगेगा, तो ये देख सकते हैं काफी मस्कुलर लुक आ रहा है, और लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। तो साथ ही साथ गाइस दूसरी थार में बाहर से तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, बट अंदर से इसमें म्यूजिक का बहुत अच्छा काम हुआ है। डैम्पिंग देख सकते हैं आप, स्पीकर लगाए गए हैं, एम्प लगाया गया है JBL का, एंड अभी इसकी वायरिंग हो रही है, वायरिंग होने के बाद मैं एक बार इसकी साउंड सुनाऊंगा आपको। तो गाइस देख सकते हैं दोनों थार के साथ साथ अपने पास अभी एक और थार आ गई है, उसमें भी काम अभी स्टार्ट होने वाला है। और गाइस अभी देख सकते हैं K4 की एम्बिएंट भी इसमें लगाई गई है, एंड ये रनिंग वाली रहने वाली है, नॉर्मल मोड पे भी हो जाती है, वो ऐप से सारे ऑपरेटेड रहने वाला है। एंड इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ भी लगाई गई है, बाकी अभी और भी काम हो रहा है साथ साथ। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये ब्लू कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग कलर चेंज हो रहे हैं, मैट्रिक्स में जाना है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस K4 रहने वाली है ये वाली एम्बिएंट, एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं ATM लाइट यहाँ पे भी लगाई गई है नीचे, तो ये भी अच्छी लुक आ रही है गाइस इससे काफी। तो गाइस इस गाड़ी में हुआ था सिस्टम का काम, तो एक बार मैं साउंड क्वालिटी आपको चेक करवा देता हूँ कैसी आ रही है। तो कुछ ऐसी साउंड क्वालिटी आपको JBL के एम्प से आएगी, एंड अभी जैसे 7-8 वॉल्यूम थी और वॉल्यूम देख सकते हैं काफी जाने वाली आगे, तो 7-8 में ही आउटपुट ये आ रहा है और काफी डिसेंट आउटपुट है, काफी अच्छा आउटपुट आ रहा है। इसमें पूरा साउंड का किया गया था गाइस, एंड ये पीछे आप देख सकते हैं ये लगाया गया था। तो गाइस कुछ ऐसी लगने वाली है अपनी थार तैयार होकर, बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है गाइस थार की तैयार होने के बाद। एंड देख सकते हैं अभी सिर्फ फॉग लैंप्स चल रहे हैं, फॉग लैंप्स है प्रोजेक्टर वाले, एंड इसके थ्रू आपको मैं दिखाऊँ तो सामने तक रहने वाली है और बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें भी प्रोजेक्टर डले हुए हैं तो इसकी भी लाइट काफी अच्छी मिलने वाली है आपको। तो और साथ साथ अब DRLs देख रहे हैं पूरे इंडिकेटर मैट्रिक्स में रहने वाले हैं, और ऊपर की बात करूँ तो ये हमर वाली लाइट्स भी आप देख सकते हैं, ये कुछ नए डिजाइन की हमारे पास अवेलेबल है, इसमें दो पीस के कलर व्हाइट है, बाकी 3 पीस के येलो है। इसके अलावा हमारे पास जो हमर वाली है ऊपर वाली गोल वाली वो भी अवेलेबल रहने वाली है। तो गाइस हो चुका है अपने थार का काम कंप्लीट, एंड कार के ओनर सर हमारे साथ आ चुके हैं, तो एक बार हम इनसे रिव्यू ले लेते हैं क्या क्या इन्होंने काम करा है, प्लस इनको काम कैसा लगा। तो वेलकम टू क्रिस्टल कार केयर भैया, क्या नाम है आपका भैया? जतिन नारंग मेरा नाम है, और बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ, ठीक है, बट मैं अभी यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है, मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। अच्छा, तो सर हमारे शॉप के बारे कैसे पता चला था? ये एक मेरे को रेफरेंस दी थी मेरे एक जीजा जी ने, जी वो बेसिकली ई रिक्शा बनाते हैं सही यात्री के नाम से, ठीक है, तो उनका यहाँ पे पहले भी कई गाड़ियों का काम हो चुका है, ठीक है, तो उनको अच्छा लगा था तो मेरे को भी उन्होंने रिकमेंड कर दिया। तो आप फर्स्ट टाइम ही आया आज हमारे पास? मैं फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम से आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा, बिकॉज एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सर हमें काफी जरूरी होता है कस्टमर का, क्योंकि जो जो मेरी नीड थी जी, जो जो मैंने माइंडसेट करके आया था कि मैंने ये काम कराना है, वो मेरा फुलफिल हो गया है। मेरे सारे जो मैंने आगे मेन हेडलाइट चेंज कराई है जी, उसके नीचे डीप फॉगर्स वगैरह लगे, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आपने लगाए हैं पीछे, टर्मिनोलॉजी इतना नहीं जानता बट कोई बात नहीं, पीछे जो मेरे को लगा जी वो मैंने करवा लिया है। पीछे से भी आपने टेल लाइट्स वगैरह चेंज कराई है, टेल लाइट्स वगैरह चेंज कराई है जो ओडी टाइप की है, जी जी जी, तो मेरे को काफी अच्छा काफी अच्छे लुक आ रहे हैं सर। मैं एम्बिएंट के बारे में पूछना चाहूंगा सर, K4 आपने एम्बिएंट लगाई है, कैसी रहने वाली है? हाँ ये बढ़िया है, क्योंकि ये हाई सेगमेंट के अंदर है और मैंने बाहर भी गाड़ी चलाई है तो मेरे को अच्छा लगा जी। फिटिंग वगैरह की मैं बात करूं तो कैसी रहेगी? नीटनेस है, काम की में अच्छा वो है, पूरे मतलब क्लियर है आपको, कोई भी ऐसा हचपच वाला काम नहीं? नहीं, 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 नहीं। जो बंदे भी हमारे से, जो हमारे जो टेक्नीशियंस है वो भी अपनी तसल्ली करके ही करके देते हैं, से किया उन्होंने, तो जो जो मैं बोलता रहा कि यहाँ पे थिम्बल वगैरह नहीं काटने जी, यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग को इंसुलेट करना है, वो भी उन्होंने किया है, अच्छा है, ठीक है। दूसरा मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है जी, वैसे वैसे आपकी घुटनों की क्रीज कम होती है, ऊपर से सर ये काफी ऊंची हाँ, भी है तो जरूरी भी है, एक रिगल लुक के लिए भी अच्छा है। हाँ, ऑफ रोडिंग भी आप करते ही होंगे सर? हाँ, मैं बेसिकली हिमाचल में रहा हूँ बद्दी में शुरू से, और मेरी ओके चंडीगढ़ और वही हिमाचल ही मेरा बेस रहा है जी, तो मेरे को तो वैसे भी ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है जी जी, तो मैंने उसी को कंसिडर करते हुए ये लगाया है, ठीक है सर। स्टाफ वगैरह का बिहेवियर मैं पूछूं अंदर कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
चलिए सर, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि आप इतने दूर से आए भी हैं, प्लस आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। मैं आप आगे कई लोगों को रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सो मच सर। अच्छी है और यहाँ पे रिलायबल वो है, तो सभी को मेरा काम भी इन्होंने जो किया है मुझे तो अच्छा लगा है। बाकी आप लोग भी आएंगे तो आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। क्रिस्टल का केयर के नाम से इनका है करोलबाग के अंदर, जो बहुत तसल्ली से इन्होंने काम किया है, जो काफी अच्छा है। चलिए थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। तो गाइस, आपको भी अगर कोई भी गाड़ी का काम कराना हो, चाहे वो थार हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, आप विजिट कर सकते हैं क्रिस्टल कार केयर पे। एंड अपने अगर आप दूर रहते हैं तो आप हमें कॉल करके भी आ सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट लेके, या कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी ले सकते हैं। एंड ये था गाइस एक रिव्यू, जो कि कस्टमर फर्स्ट टाइम आया हमारी शॉप पे। और देखते रहिएगा गाइज हमारे चैनल पे, और भी नई वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।